आप सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और हर भारतीय के इस खास पर्व पर हम आपके लिए लाए हैं तिरंगा मैदा बर्फी की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वेलकम टू कुक विद भूमिका। तिरंगा मैदा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में आधा कप घी गरम करने के लिए रखेंगे। इसमें एक कप मैदा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसकी कंसिस्टेंसी पेस्ट जैसी होने तक करीबन 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक करेंगे। करीबन 10 मिनट के बाद मैदा की कंसिस्टेंसी पेस्ट जैसी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 कप शक्कर और 1 कप पानी डालेंगे। शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितनी शक्कर इस्तेमाल करें पानी उससे आधा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए एक तार की चाशनी चाहिए। शक्कर के बराबर या ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से चाशनी बनाने में ज्यादा समय लगता है। अब हम इसे शक्कर घुलने तक तेज आंच पर कुक करेंगे। इसमें शक्कर अच्छे से घुल गई है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी एक तार की होने तक इसे धीमी आंच पर कुक करेंगे। चाशनी को ठंडा करके चेक करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी एक तार की हो गई है। अब हम इसमें आधे नींबू का जूस डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक तार की चाशनी बनने में करीबन 10 से 12 मिनट का समय लगा है। चाशनी में नींबू का जूस मिलाने से शक्कर क्रिस्टलाइज नहीं होती है और मिठाई ठंडी होने के बाद उसके ऊपर सफेद परत नहीं जमती है। अब हम इसमें मैदा की पेस्ट डालकर इसमें गांठे ना रहे तब तक इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तब तक करीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर कुक करेंगे। अगर आप बर्फी पहली बार बना रहे हैं तो इसमें से आधी टीस्पून जितना मिक्सचर निकालकर इसे ठंडा करके चेक करें। अगर बर्फी सेट नहीं हो रही है तो इसे थोड़ी देर और कुक कर सकते हैं। करीबन 10 मिनट के बाद ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तिरंगा के पहले पार्ट के लिए ऑरेंज कलर की 2 से 3 बूंदे डालेंगे। आप जो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैकेट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही उसका इस्तेमाल करें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तिरंगा के दूसरे पार्ट के लिए इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए काजू डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तिरंगा के तीसरे पार्ट के लिए ग्रीन कलर की 2 से 3 बूंदे और 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ता डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको सॉफ्ट और स्मूथ बर्फी पसंद है तो इसके बदले आप काजू और पिस्ता का बारीक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक टीन के ऊपर बटर पेपर लगाकर इसके अंदर ग्रीन पार्ट डालेंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच घी डालकर इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। ग्रीन पार्ट के ऊपर व्हाइट पार्ट डालेंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच घी डालकर इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। व्हाइट पार्ट के ऊपर ऑरेंज पार्ट डालेंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच घी डालकर इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। अब हम इसे करीबन 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे कट करेंगे। बर्फी को आप अपने मनपसंद शेप और साइज में कट कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल तिरंगा मैदा बर्फी तैयार है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आप अपनी फैमिली को तिरंगा मैदा बर्फी इस रेसिपी से ट्राई करके जरूर खिलाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इससे हमारी चैनल की हर सिंगल अपडेट आप तक रेगुलर पहुंचेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें। हम बहुत जल्द वापस आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, हैप्पी ईटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।